मुझ जैसे लोगों को नफरत होती है ऐसे लोगों से। नहीं अब नहीं होती मुझे, अब तो मेरी शादी हो गई, तो काफी करने की कोशिश की थी। मेरा मेलू घर पे देख पकाई है, चावलों की दावत रखी है, ये कर दिया करे ना, देख बढ़नी है ऐसी। Assalamualaikum नाज़रीन, मैं हूं अली हैदर, आप हैं सिद्रा और आप देख रहे हैं सिद्रा'स डायरी। और एक दफ़ा फिर हम हाजिर हैं आपके साथ अपने फेवरेट, मोस्ट फेवरेट, आजकल सबसे ज़्यादा देखे जाने वाले, हमारा सबसे फेवरेट, हमारा सबसे ज़्यादा एट द मोमेंट। एक शिकायत है वो हम बाद में करेंगे, परीजा। अच्छा उससे पहले कल का जो आपने हमारे साथ लाइव सेशन किया था, हमें उसके साथ बहुत ज़्यादा मज़ा आया, रियली इट वॉज लॉट ऑफ फन। और आप सब ने बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट की हमें बाद में भी, तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम वीकेंड्स पे एटलीस्ट एक दफ़ा आप लोगों के साथ जरूर लाइव। यस अच्छा, हमेशा प्यार देते हैं आप, ऐसा नहीं है कि मतलब मज़ा बहुत आया, मज़ा मुझे बड़ा मज़ा आया आप लोगों की बातें। अच्छा होता पता क्या है, हमें अच्छा लगता है आपकी थॉट्स सब हम तक पहुंचती है, हमारी बातें तो पहुंच जाती है ना आप तक, आपकी थॉट्स सब आती है हम तक, क्या सोच रहे हैं, सजेशंस बड़ी मज़े की आती हैं। तो तुसी ऐने हाइपर होंदे हो ना, ऐसे टिक 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 कीबोर्ड के ऊपर बैठे हुए हैं, ऐसे ऐसे टाइप हो रहे होते हैं इतने ज्यादा। अच्छा अक्सर आप लोग कहते हो कि जी मेरा कॉमेंट नहीं पढ़ा, मेरा कॉमेंट नहीं पढ़ा। आई स्वेयर हम इतनी कोशिश कर, अली यहाँ से पढ़ रहा होता, मैं इधर पढ़ी होती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतने ज्यादा कॉमेंट्स होते हैं कि नहीं पढ़ा जाता। ये आप कहते हो वो इसका मिस हो गया, इसका मिस हो गया, इसलिए अब ये क्या करेंगे, हम नाम ले लिया करेंगे, हम नाम ले लिया करेंगे, नाम हम जरूर लिया करेंगे। तो अब क्या करने जा रहे हैं, कमिंग टू परीजा, कमिंग बैक टू परीजा। याद है लास्ट टाइम हमें कितने लंबे ले गए थे अपनी बातें, कमिंग बैक टू परीजाद एज ऑलवेज, अनदर चैप्टर ऑफ परीजाद्स लाइफ, अनदर गर्ल इन हिज लाइफ। और बड़ा अच्छा एक वो दिखाया है कि यूनिवर्सिटी स्टार्ट हो गई है, बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे परीजाद गया है। और मशल मुझे उनका कैरेक्टर का नाम आई फॉरगॉट, लेकिन मशल है उसमें। और वो दिखाया है कि वो शी इज डायरेक्टिंग इन उर्दू प्ले, और वो यूनिवर्सिटी के अंदर एक ऐसी वो लड़की नहीं होती जिसको, जिसे ये कभी हुआ करती थी अपनी यूनिवर्सिटी में, मिस परफेक्शनिस्ट, तो ये भी वैसी ही थी। बाय द वे इनको हर चीज मैं वो टीचर्स का वो नहीं, इस फेवरेट बेबी होता जो बाकी जिससे सबको बहुत नफरत, मुझ जैसे लोगों को नफरत होती है ऐसे लोगों से, हम बैंक बेंचर्स को ऐसे लोगों का कत्ल माफ हो। अब आपको डिफरेंट नहीं, अब नहीं होती मुझे, अब तो मेरी शादी हो गई लेकिन ऐसे लोगों से यकीन करें, हम अपने स्कूल के दौर में ना वो जो टीचर्स के फेवरेट होते थे, फर्स्ट बेंच पे बैठ के हमारी शिकायतें लगाते थे, दिल करता था पैसे छुपे मतलब चीज़ इनको, ये दिल करता था हमारा। तो ये मशरूम जो है ना वो है उस तरह से है कि she is competitive and she likes to win। और वो एक प्ले है उसको डायरेक्ट कर रही है शेक्सपियर का, तो हेलो उथेलो, थेलो थेलो उथेलो उथेलो अली कह रहे थैलो, क्या नाम था उसका, उथेलो उथेलो उथेलो, हाँ ओ थैलो ओ थैलो। मैंने भी शेक्सपियर का अपने जमाने में किया था, कौन सा वाला यार, आई थिंक मैंने किया था हैमलेट, Hamlet, to be or not to be, that is the question, whether to slumber in the mind to suffer the slings and arrows of outrageous fortune. Oh, bade dalo. Oh, Mel Gibson ne kiya tha na usko, to phir usko maine dekh ke jo hai wo copy karne ki koshish ki thi. Hey, mera Melu. Jiraadu ke baad mera Melu. Ye wo wala Mel. Ye wo wala Mel nahi hai. Ye Mel Gibson hai. Mel Gibson wala. Mel Gibson. Very very handsome man. Very handsome. Mel Gibson wa. Very good looking, very handsome. No doubt. So coming back to Farizat. Acha. Mashal. टक्कर बड़ी अजीब किस्म की होती है, वो कहती है क्या वियर्ड सा आदमी जो है, डेफिनेटली यूनिवर्सिटी है बड़ी हाई क्लास किस्म की, वहां पे अमीरों के बच्चे पढ़ते हैं, उनकी ड्रेसिंग वगैरह कुछ और तरह से होती है। परीजात बेचारा अपने उसे खुले शॉपर वर्ग के कोट से आ गया उठ के, तो उसके पैरेंट्स जो है बड़ी वो थी, कमाल कमाल। लेकिन वो दिखाते ही है कि जी वो कहती है कि मुझे कोई पोइट्री, वो उसका फ्रेंड एक सजेस्ट करता है कि तुम ना इस तरह करो कि अच्छा वो एक लूज एंड था। अच्छा हाँ देखिए मैं बताता हूँ, वहां पे ना मशाल को क्या चाहिए होती है, मशल को सॉरी द करेक्टर, ओके उनको अपने ड्रामा के एंड में अच्छा पोइटिक सीक्वेंस चाहिए होता है। फॉर दैट शी सेड के कोई अच्छा शायर ही नहीं है यूनिवर्सिटी में, ये क्या है मतलब,
आपकी यूनिवर्सिटी में कोई शायर होगा तो आपको पोइट्री उस पर, यू कैन चूज एनी पीस ऑफ पोइट्री फ्रॉम एनी वेयर. नहीं, प्रॉब्ली शी वांटेड सम ओरिजिनल कंटेंट. ओरिजिनल नहीं होता वो, तो भी तो उसी का था ना. ऐसा कहाँ होता है, आप पोइट्री जो यूज करते हो, पोइट्री यूज करते हैं ना अपने. हाँ. हम अपने अपनी जब उर्दू पढ़ते थे तो तशरी के अंदर पोइट्री यूज नहीं करते. नहीं, लेकिन होता है ना, जिस तरह वो चाहती हो कि ये पहले कभी किसी ने ना पढ़ा हो ना सुना हो. ये हो सकता है, ये हो सकता. मैंने आपको ये उसे मेंशन नहीं किया, ये हो सकता था. गलती थी, उसने अली को फोन नहीं किया ना टेक्स्ट किया कि ये मेरा मतलब, ये मेरा मतलब था. अच्छा खैर, वो हो गया सिलसिला सारा. आज मुझे कितनी दूर की स्टोरी आई हुई है ना, मैं तो कह रहा स्टोरी बताने का सारी. खाना खाया ना, शायद पिज्जा खाया भी. अच्छा तो वो ना पिज्जा, अच्छा सॉरी, वो मैंने बोलो मुझे पता होना चाहिए ना कि मैंने पेड़ों की तरह पिज्जा नहीं कहना, नहीं पिज्जा नहीं कहना, पिज्जा भी नहीं कहना, मैंने पिज्जा कहना. अच्छा तो क्या होता है उसके बाद, यही होता है कि वो उसको कहती है कि जी मेरे लिए पोएट्री लिख दो, पोएट्री लिख दो. शी सेज लेट्स बी फ्रेंड, मुझे वो सीन बड़ा क्यूट. अच्छा, उससे पहले उसको अंडरमाइन कर रही होती है, ये बड़ा मजे का सीन था, मैंने उसको स्पेशली एक्सप्लेन करना था. वो सुनती है ना, वो क्लास में अपनी जाती है तो वहाँ परिजात रिसाइट कर रहा होता है, अपनी एक बुक सुना रहा होता है, पोएट्री अपनी सुना रहा होता है. तो शी गेट्स वेरी इंप्रेस्ड एंड शी सेज ओके फाइन, हमारा जैसा भी स्टार्ट हुआ आई नो थोड़ा सा अजीब सा था, लेट्स बी फ्रेंड्स. वो इतना वो क्यूट सीन था ना, जो अच्छे मुझे इतना अच्छा लगा कि उसने एक दफा यूं हाथ करने मिलाने से यूं ऐसे करते हैं, अब इट करता है. आई थिंक इट वाज अ वेरी फर्स्ट इंटरेक्शन विद अ वुमन, विद अ लेडी टू होल्ड अ हैंड, इट्स वेरी द फर्स्ट. सो अच्छा, वो उसके चेहरे पे ना अजीब सी, ही इज मासूम बट उसके चेहरे पे अजीब सी जो थोड़ा सा ठरकी भी है वैसे, आती है. अच्छा उसकी मासूमियत के, अच्छा वो होता क्या है, वो ना उसकी उसके अंदर का ठरक बनना उसके चेहरे पे मुस्कुराहट ले आता है अजीब किस्म की. अब उसको छुपाता है ऐसे ऐसे. यार अहमद अली अकबर, यू आर अमेजिंग ब्रो, यू हैव नेल्ड इट. बहुत बहुत अगेन. अच्छा वो जो एक टाइम होता है जब वो पोएट्री उसकी काम आ जाती है एंड द प्ले वाज हिट, तो जब उसे कहती है कि ना लेट्स बी फ्रेंड्स, उसके वहां पे वॉक करते हुए वहां पे कहती है लेट्स बी फ्रेंड्स. कैफे में तो कहती है कि इट्स अ डील, कैफे में तो डील थी ना, वहां पे कहती है लेट्स बी फ्रेंड्स. तो जो अपने अगेन शर्ट को ऐसे 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 करना, मुझे बहुत क्यूट लगा था, मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा. यस, ऑन द अदर हैंड उसकी बेस स्टोरी जो चल रही है, सईदा जो है उसके हस्बैंड को इश्यूज आ रहे हैं, वो अगेन वो जो एक टिपिकल कुछ लोग होते हैं जिनको होता है कि अभी भी जो है वो जो ब्याह के जिसको लेकर आए हैं वो जिम्मेदारी जो है वो उनके घर वालों की है, उसके मैके की जिम्मेदारी है. उसे लॉस हुआ है अपने कारोबार में और वो चाह रहा है कि उसकी लड़की के भाई जो है सईदा के जो भाई हैं, जो सईदा बहन है परिजात की, उसकी जो दीगर दो भाई हैं वो हेल्प करे. वो क्यों करे, भले ही सईदा के भाई बहुत बुरे होंगे, बट मैं दोबारा यहाँ पे बात करूंगा, उसकी उनकी जिम्मेदारी नहीं है कि सईदा का हस्बैंड का जो कारोबार है वो चल नहीं रहा. कर दे तो उनका एहसान है सिदरा, मोहब्बत में भी तो इंसान करता है. नहीं तो भाई यहाँ पे तो ऑब्लिगेट किया जा रहा है ना, अगर आप वो डायलॉग्स देखो कि भाई क्या हो गया वो कर दे तो. हालांकि सलीम को इतना अच्छा परिजात ने हेल्प आउट किया था जब पहले भी वो फंसा था, उसने उसका भी मान नहीं रखा. मुझे थोड़ा सा दुख हुआ उस कैरेक्टर से कि आपको यूं नहीं करना चाहिए था, एटलीस्ट आप इस चीज को रिगार्ड करते कि परिजात ने आपको इतनी बड़ी प्रॉब्लम से उसे निकाला था. और जिस तरह वरना अगर पकड़े भाईजान तो अंदर थे, आप कारोबार कहाँ से करना था, उधार लेके भाईजान तो अंदर थे, अगर परिजात ना निकलवाता तो. खैर बेसिकली वो वहां पे ना माँ जो है ना, अम्मा जी जो है वो गंद घोल रही है. He was fine in the beginning. इसी ने सलीम साहब ने परमिशन दी थी पढ़ने की सईदा को, लेकिन अम्मा ने रिवर्स करवाई. और अम्मा ने ना उनकी भी बातों में आके बड़ा गंद किया, भाभियां चुड़ैले आके. Exactly. So खैर ये खैर coming to that scene now, वो जो था वो पार्टी वाला. हाँ, there was अच्छा पार्टी में मतलब हमें पता नहीं क्यों पार्टी दिखानी नहीं आती. I mean क्योंकि स्पेशली जिस तरह का आपने दिखाया है कि जी वो एक खास किस्म की गाड़ी में हम ऑडी हाँ कर सकते हैं. अच्छा ऑडी में आई है और ये बड़ा वो उसकी तैयारी शारी ये वो, तो जब इस तरह के कैरेक्टर से आप एक्सपेक्ट करते हो कि ओ माय गॉड क्या सेटअप होगा, बीइंग एन इवेंट प्लानर ना मुझे होता है कि यार क्या ही कमाल इन्होंने पैसा लगा के ऐसे जब उन्होंने पार्टी दिखाया है. आई मस्ट से It didn't look like a party. It was more like a वलीमा वाली चीज़. नहीं, वो नहीं होती जो खतरों के बाद थ्रो की जाती है बच्चों के. करते नहीं पिंडा जो हो जाए काना घुल गया. हकीका लग रहा, हकीका लग रहा था. मतलब come on. मुझे कहीं से भी ना वो नहीं लगी कि एक वो उसकी सक्सेस पार्टी टाइप या उसके बारे में. अगेन आप एक चीज नोट करो, तो मैं सईदा आंटी से मिलाती हूँ, वो भी किसी आंटी से बात कर रही है. उसके फ्रेंड्स कहाँ हैं?
लड़की की हर सक्सेस पार्टी, तो वहां पे तो फ्रेंड्स होने चाहिए थे, जो जहान का अंकल आंटी वहां मौजूद था उसके फ्रेंड्स तो थे ही नहीं। वो लगा नहीं कोई भी वहां पे कॉलेज स्टूडेंट्स लगे नहीं कि कोई आए हुए थे, अजीबोगरीब क्राउड, थोड़ा सा इस चीज के ऊपर काम करना चाहिए हमारे डायरेक्टर्स को कि आइदर डोंट कॉल इट अ पार्टी पार्टी, बट इफ यू कॉलिंग इट अ पार्टी देन थोड़ी सी कोई लुक बनाए, कोई ड्रेसिंग, ये कह रहे घर पे देख पकाइए चावलों की दावत रखी है, ये कर दिया करें ना, देख बननी है ऐसी, वो जचेगा वहां पे। अच्छा यहाँ पे एक चीज के वो जब आता है तो उसकी जो माँ है लड़की की वो थोड़ी ऐसे होती है कि लाइक व्हाट द हेल, वो जो टिपिकल एक वो होती ना कि एक्सक्यूज मी हम में से नहीं वाला टाइप, तो उसको थोड़ी सी कहीं से आई थिंक वाइब आई है कि प्रॉब्ली हर डॉटर हैज अ लाइकिंग फॉर हिम। अच्छा वो बड़ी जल्दी वाइब आ गई वैसे, ऐसी कुछ चीज शो की नहीं उससे, आई थिंक इसका रीजन होगा कोई मिस्ट्री होगी, इसकी कोई हिस्ट्री जरूर होगी लड़की Maybe, की। और वो क्या कैरेक्टर है नुमान साहब जो है, मेरे ओनु शारी द शौक है, लेकिन वो नहीं वो लिखता है, आई थिंक ही वांट्स टू इंप्रेस मशल, और वो उसको कहता है कि तुम अगर इतनी अच्छी पोएट्री करती हो राइट फॉर मी एंड आई विल पे यू फॉर दैट, जो कि मुझे लग रहा है कि वो कहीं ना कहीं उसकी ऑफर आगे जाके एक्सेप्ट करेगा For his sister. Yes. So overall मजे का एक अच्छा एपिसोड था। एपिसोड तो हमेशा अच्छा होता है। अच्छा होता है। It's always a treat to watch him. And जो शिकायत थी वो अली आप सब करेंगे। कौन सी वाली बोला? परिजात के व्यूज की बोला। हाँ। यार ये मतलब पाकिस्तानियों के टेस्ट को क्या प्रॉब्लम है? घटिया स्क्रिप्ट, घटिया ड्रामा, घटिया प्रोडक्शन। मैं नाम नहीं लेता चलो आज किसी का, लेकिन इंतहाई घटिया ड्रामे हम पाकिस्तानी उसको करोड़ों व्यूज दे रहे हैं लेकिन इतना अच्छा ड्रामा परिजा, एक ड्रामा है जो कि आज अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ आज के दिन जब आप देख रहे होंगे, हो सकता है एक डेढ़ दिन गुजर चुका हो, लेकिन जब मैं वीडियो बना रहा हूँ उस ड्रामे को अभी 20-21 घंटे हुए हैं अपलोड हुए यूट्यूब के ऊपर, आप लोगों ने 1.5 करोड़ व्यू दे दिया उसको, लेकिन परिजात 31 अगस्त का लगा हुआ है उसको 30 लाख व्यू भी पूरे नहीं मिले हुए। ऐसे ऐसे ड्रामे हैं जिसमें गति किस्म के रिलेशनशिप कोई मतलब इश्क है, मेरा जो इससे सबसे ज्यादा इश्क है, इतराज चल रहा है ना किसी एक ड्रामे से, वो है इश्क है। एग्जैक्टली इतना इश्क है नहीं क्या है, इतना अजीब है वो ड्रामा, यानी मैंने उसका रिव्यू शुरू किया टॉक्सिक, इट हैज अ वेरी टॉक्सिक, इट्स वेरी स्टूपिड, I don't know who's writing it. Yes. मैं तो उसका राइटर का नाम हमेशा पढ़ना भूल जाती हूँ। शुरू किया ठीक था, बर्दाश्त के काबिल था, कुछ चीज़ें आईं ठीक था वो भी बर्दाश्त होगी, अब जिस पॉइंट पे ले आए हैं ना मुझे होता है कि यार ये कैरेक्टर्स इतने स्टूपिड तरीके से लिखे किसने हैं आजकल की दुनिया में, आजकल के टाइम पे जब आप व्हाट्सएप को छोड़ते नहीं हैं, आप इंस्टाग्राम और फेसबुक और इन चीज़ों को देखे बगैर आपका सांस नहीं आता इन लोगों का, उसमें आप दिखा रहे हैं कि जी एक लड़की जो है वो अपनी वो भाभी जिसके साथ उसकी बहन की शादी कराना चाहती है, जो अपनी बहन की शादी तेरे बंदे के साथ, तो उसे शॉपिंग पर जा रही है, बट यू स्टूपिड यू नॉट लिविंग अ वॉइस नोट टू योर हस्बैंड कि जी वो मुझे ज़बरदस्ती ले गई है या तू शादी में गई है, तो और आप लोग देख रहे हैं पूरी कॉम देख रही होती है यार, उसने ने वेले हो उसका सीरियसली इतना ज्यादा व्यूज है कि मुझे मैं मजबूर हो जाती हूँ देखने के लिए कि इसमें ऐसा क्या है जो लोग देख रहे हैं। I'm sorry to say, हम लोगों का ना टेस्ट बहुत बुरा, मुझे लोगों ने कहा मुझे डीएम आए कि आप इश्के के ऊपर करें, मैंने उनसे माजरत की, नहीं वो टॉर्चर हम नहीं देख सकते, मैं शुरू में मैंने वो देखना शुरू किया जब तक मुझसे बर्दाश्त हुआ मैंने किया, लेकिन कुछ ड्रामे हैं मैं नहीं देख सकती थी, मैं जिनकी सेंस नहीं बन रही, एक ड्रामा और अब भी मजबूरी से देख रहे हैं, लेकिन एक ड्रामा मैं अगर वो ऑनगोइंग ड्रामा है जिसका मैं रिव्यू हमसे मिस आउट हो गया समहाउ आई डोंट नो कुछ टाइमिंग का या कुछ एक टाइम लाइन ऐसी आई थी हम नहीं कर सके, वो है आखिर कब तक, आई मस्ट से सो नाइसली रिटन, अमेजिंग परफॉर्मेंसेज, सच अ गुड प्लॉट, सच लवली एक्टिंग एंड परफॉर्मेंसेज के हैट्स ऑफ, उसके अंदर पहली दफ़ा मुझे इतना सेंसिटिव मैटर है जिसके ऊपर बात हो रही है, लेकिन उन्होंने लड़की को इतना जो उसके दो कैरेक्टर्स हैं उसके अंदर इतनी डिफरेंट किस्म की डाइवर्सिटीज़ दिखाई हैं और लड़कियों को किस तरह एम्पावर असल में होना चाहिए करना चाहिए अपने आप को वो दिखाया है,
एंड इट इज सो रिफ्रेशिंग टू सी दैट ड्रामा ना यार, किस तरह से मजा आ जाता है. मैंने वो मुझसे मिस आउट हो गया था, पता नहीं क्या रीजन थी, तो मैंने वो दोबारा से देखना शुरू किया. अभी उसकी 16 किस्तें आई हैं. तो पीपल हु नॉट वॉचिंग इट, प्लीज गो एंड वॉच आखिर कब तक, क्योंकि इट इज एन अमेजिंग ड्रामा. इट इज समथिंग दैट वन शुड नॉट मिस. इंस्टेड ऑफ वॉचिंग सच टॉक्सिक ड्रामास, अगर आपको एक टाइम पास चाहिए आप देखें, लेकिन इस तरह के ड्रामों को जरूर सपोर्ट करें, जैसे दिल ना उम्मीद तो नहीं, या आखिर कब तक, या परिजात, जो के रकीब से, जो के दे आर गुड राइटिंग. हम कहां के सच्चे थे, ओ हम कहां के सच्चे थे, मुझे मजे का लगता है. और यानी ये वाली चीजें आप देखें. तो दैट्स इट, मेरा बस यही हमारे से आपसे शिकायत थी कि आप लोग काइंडली इस तरह के ड्रामों को ज़्यादा देखें. वो भी देखें, मैं नहीं मना करी, हर तरह का मसाला होना चाहिए, हर तरह की कमर्शियली भी हमें चीज़ें बनानी पड़ती हैं, लेकिन प्लीज़ अच्छा कंटेंट भी देखें और उसको प्रमोट करें. बिल्कुल ठीक है जी, ख्याल रखें, इंस्टा पर फॉलो करें, इंस्टा पर फॉलो करें, पेज को सब्सक्राइब करें. और हाँ, सिद्धार्थ जारी का जो फेसबुक पेज है उसको आपने, जो दोस्त हमारे फेसबुक पेज पर हमें देख रहे हैं वो साथ में फॉलो भी करें. प्लीज़ डू दैट. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.